तो दोस्तों वेट हो चुका है खत्म हमारा। वेट क्यों खत्म हो चुका है? जिमनी हमारा जो आता है ना, मारुति सुजुकी जिमनी, जो कि ग्लोबल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है और हमारे यहाँ पर जिप्सी किंग नाम से फेमस था, उस गाड़ी का नया जो जनरेशन है लेटेस्ट वाला मारुति सुजुकी का यहाँ पर लॉन्च हो चुका है और नेक्सा के ब्रांड के अंडर बेचने वाले हैं। ये गाड़ी खरीदने के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो मुझे पता है, मगर आपको एक बात बता दूँ, इसके ब्राउशर इसके प्राइजेस कहीं भी नहीं है, जो कि मैं लेकर आया हूँ आपके लिए स्पेशली एक्सक्लूसिव। मेरे पास आ चुका है नेक्सा की तरफ से जो ब्राउशर आया है, तो अगर आप चाहते हो देखना तो पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो के अंदर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूँगा। उसके अंदर ब्राउशर है, मैं टेक्निकल ज़्यादा आपसे बात नहीं करूँगा। 4x4 के अंदर आने वाली ये गाड़ी है, कितने वेरियंट्स आने वाले हैं मैं बता दूँ, ऑटोमेटिक के अंदर और मैनुअल के अंदर मिला के अभी तक के 4 वेरिएंट है जो कि आपको मैं बता सकता हूँ मिलने वाले हैं। मगर इस गाड़ी के अंदर एक बात खास क्या रहने वाली है, ये गाड़ी की शुरुआत होने वाली 7 लाख से और ख़त्म होने वाली 11 लाख एक्स शोरूम पैन इंडिया एक्सपेक्टेड रेट से। मैं भी इसके बारे में ज़्यादा कंफर्म नहीं हूँ और मैंने इनसे कंफर्म किया है, अगर 11,000 रुपये का अगर बुकिंग अमाउंट भरते हो तो गाड़ी आपको मिल सकती है। अगले 6 महीने तक का वेटिंग पीरियड इन्होंने बताया है। गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा रश रहने वाली है वो तो है, मगर जिन लोगों ने थार पहले ही खरीद ली है उनके लिए ये बैड न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि जिमनी एज कम्पेयर टू थार बेस्ट ऑफ रोडर रही है ग्लोबल मार्केट के अंदर और बहुत ज़्यादा फेमस रही है। ये गाड़ी यूजुअली 4 सीटर के अंदर आती है, यहाँ पर भी 4 सीटर के अंदर आएगी। इसमें वो थार वाला जो ऑप्शन था ना सामने से सीट में से पीछे जाने का, वो वाला ऑप्शन रहता था पहले जब वो 3 डोर में आया करती थी ग्लोबल मार्केट के अंदर, मगर अभी लॉन्च हो गई है 5 डोर के अंदर। एक डिक्की वाला डोर रहने वाला है और सामने जो 4 डोर रहने वाले वो आप एक्सेस कर सकते हो। इसके अंदर क्या क्या फीचर आते हैं, गाड़ी कैसे निकल कर आती है और इसके ब्राउशर के अंदर क्या क्या फीचर दिए गए हैं, ऑफिशियल ब्राउशर है आप देख सकते हो, पॉज कर देखना आगे चलकर। अभी हम जाते हैं जल्दी से जल्दी हमारे जिमनी की तरफ। आपको नज़र आ रही है कांची ऊपर एक थोड़ा सा बर्फ का पहाड़ बताया जाता है, और बाहर जब देखता है तब अपने गाड़ी की तरफ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ जमी होती है। हेडलाइट्स ऑन होते हैं, वाइपर ऑन होते हैं, सुजुकी का लोगो दिखाई देगा, उसके बाद वो गाड़ी स्नो के अंदर चलते माउंटेन के अंदर जाते हुए दिखाई देगी, जहाँ पर आप गौर से देखो तो HR टेम्पररी पासिंग के अंदर वो गाड़ी नज़र आने वाली है आपको। बर्फ के अंदर जाते जाते वो आदमी जब देखता है सामने, उसे कुछ यादें याद आ रही है, कुछ साउथ अफ्रीका का बैजिंग वहाँ पर कर रहे हैं लोग, शायद से साउथ अफ्रीका से लेके तो स्पेन तक के ये आदमी जाने वाला है, क्योंकि आगे स्पेन का भी कुछ नाम मेंशन किया गया है। ऐसे ही करते करते सारे ऑफ रोड के जितने भी रास्ते हैं वो सारे क्रॉस कर सामने जब वो आदमी जाता है, फाइनली हमें पता चलता है कि वो अपने न्यू बॉर्न बेबी को बचाने के लिए जा रहा है या फिर वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए जा रहा है। स्टोरी के अंदर एग्जैक्टली बताना ये चाहते हैं मारुति वाले कि हमारी जो व्हीकल है वो कहीं भी जा सकती है, इसका नाम है जिमनी और ये नेक्सा की तरफ से आने वाली है। और ये रही दोस्तों एंट्री जहाँ पर हमारी जिमनी लाइव में सामने आती है हमारे, तो ये जो डेब्यू हुआ है ना, तो इसका वीडियो मैंने कहीं और से लिया है, मैं वहाँ पर नहीं जा पाया। इसके डायमेंशन आप लोग देख पा रहे हो, बिल्कुल बेहतरीन डायमेंशन है और ग्रीन कलर इसका शायद से पेटेंट रहने वाला है। उसके बाद हम साइड प्रोफाइल से अगर देखते हैं गाड़ी के तो बहुत बेहतरीन नज़र आती है, शायद से वीडियो के अंदर छोटी दिखाई दे रही होगी मगर इन प्रेजेंस इन रोड प्रेजेंस ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी आपको देखने मिलने वाली है। मुझे दोस्तों ये वाली क्लिप मिल गई जहाँ पर मैं आपको अच्छे से इस गाड़ी का इंटीरियर भी दिखा पाऊँगा। इंटीरियर दिखाते वक्त यहाँ पर दिख रहा है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के 3 जो सर्कल से वो आपको नज़र आएंगे, उसी के साथ आप देखते हो तो एक टच स्क्रीन डिस्प्ले रहेगा, शायद से 9 इंच टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको देखने मिलेगा। ये यहाँ पर जो स्टेयरिंग नज़र आ रहे हैं मुझे लगता है बलेनो या स्विफ्ट से इंस्पायर्ड है। सामने जो दो बड़े बड़े स्पीडोमीटर नज़र आ रहे हैं ना, आप बताइए किससे इंस्पायर्ड है, तो मैं आपको बता दूँ ये इनकी जो पहली जनरेशन हमारी मारुति सुजुकी की जिप्सी किंग आया करती थी उससे इंस्पायर्ड है। आप नीचे देख पा रहे हो तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वाला भी कंट्रोल आपको नज़र आएगा, बहुत सारी चीज़ों का मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन है ये। गियर नॉब ऑटोमेटिक में है, मतलब गाड़ी फॉर श्योर ऑटोमेटिक में आएगी। ऑटोमेटिक के अंदर 4x4 के अंदर ये गाड़ी लॉन्च होगी। देखिए अभी थार खरीदने में कोई सेंस नहीं बनता जबकि ये 4x5 डोर ये गाड़ी लॉन्च हो चुकी है जिमनी हमारी, और ये जिप्सी जो लोगों को पसंद थी ना एक ज़माने में, अभी उसका नया जनरेशन ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है हमारी। इसके स्टेयरिंग माउंटेड कीज़ और ये मॉडर्न इंटीरियर आप देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन निकल कर आने वाले हैं। सेकेंडली जब हम देखते हैं तो नेक्सा के जितने ब्राउचर आए हैं ना अभी वो सारे मेरे पास आ चुके हैं। ऑफिशियल इंडिया के लिए लॉन्च करने जाने वाली जो 5 डोर जिमनी है वो आपको नज़र आने वाली है,
देख लीजिए आप एक बार अच्छे से। और यहाँ इंडिया के अंदर जियो स्पेसिफिकेशन रहने वाले, उसी के साथ में ऊपर नेक्सा भी लिखा है, आप देख सकते हो। गाड़ी कौन कौन से फीचर के साथ में लॉन्च होगी वो भी बताया गया है। फर्स्ट जनरेशन आप देख सकते हो जिम्नी का कैसा था, सेकेंड जनरेशन वो भी जिम्नी का आप देख सकते हो, थर्ड जनरेशन और ये फोर्थ जनरेशन। इसके बाद में ये फोर्थ जनरेशन तो होगी, इसके बाद ये फिफ्थ जनरेशन तो नहीं कह पाएंगे, पर ये पांचवा मॉडल है जो आपको देखने मिलने वाला है। सेकंड वाला जिप्सी किंग नाम से लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर 1981 में। पहला मॉडल 1970 में लॉन्च हुआ था, दूसरा 1981 में लॉन्च हुआ था, तीसरा 1988 में लॉन्च हुआ था, चौथा 2018 में हुआ था, और 2030 के अंदर आज हो चुका है फाइव डोर वर्जन भी उसका लॉन्च। बड़ी वाली मर्सिडीज की जो जी क्लास आती है, जी वैगन जिसे कहा जाता है, रिजेंबल करता है इस गाड़ी के लुक के साथ में जब ये कस्टमाइज की जाती है। मैं उसके कुछ इमेजेस भी आपके पास पोस्ट करता हूँ। इसीलिए जैसे जीप रूबीकॉन जो है हमारी रैंगलर, उससे हमारी थार रिजेंबल करती है, तो जी वैगन जो है वो जी वैगन का जो लुक है इससे रिजेंबल करती है। आप ठीक करना चाहते हो तो आपके करीबी जो नेक्सा है उसके अंदर आपको जाना है। सिर्फ आपको मिलने वाली है गाड़ी कितने, 7 लाख से लेके 11 लाख एक्स शोरूम के अंदर। अल्फा और जीटा उसका जो दो वेरिएंट है हमारे पास, उसका हमारे पास ब्राउशर आ चुका है। मैंने आपको जैसे बताया, आपने देखा भी है अभी, वो सारे ब्राउशर आपको हेल्प करेंगे कि आपको गाड़ी कौन सी परचेज करनी है। मैनुअल और 4x2 का तो कोई ऑप्शन दिखा नहीं मुझे, मैनुअल और ऑटोमेटिक के दोनों ऑप्शन मेरे को नज़र आए हैं वहाँ पर। दोनों भी 1.5 लीटर इंजन के साथ में आपको देखने मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी पहले जाकर बुक करिए गाड़ी, और दूसरे नंबर पर हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही नए नए अपडेट्स और एक्सक्लूसिव जो खबरें होती है वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। अब तक के जितने भी ज़्यादा वीडियोज़ आए आप ध्यान में रखिए, जितने भी वीडियोज़ यूट्यूब के ऊपर हैं अभी तक के, उसके अंदर सिर्फ आपको बताया गया है कि गाड़ी जो है हमारी जिमनी, उसका इंटीरियर भी नहीं बताया, सिर्फ बाहर से बताई गई है। मैं एक्सपेक्टेड प्राइस, ब्राउशर और तीसरी हमारी स्पेशल चीज़ थी वो हमने आपको बताया कि गाड़ी कहाँ से कहाँ तक के लॉन्च हो और वेटिंग पीरियड कितना रहेगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी कर देना। मैं तो एक्साइटेड हूँ जिमनी के बारे में, अभी थार मेरे दिमाग से निकल चुकी है। अगर जिमनी सच में वैसी नज़र आती है जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वैसा ही रोड प्रेजेंस उसको आता है, वही कैपेबिलिटीज़ उसको अगर आती है, तो ज़रूर मैं थार को एक्सक्यूज़ कर जिमनी खरीद लूँगा। बाकी थैंक यू सो मच, धन्यवाद।